मित्रों, अभी अभी प्रधानमंत्री जी सीएए को लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम किया। मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनीति के कारण दंगे कराए? और क्या बुराई है सीए? मैं आज सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो दलित शरणार्थी आए, गरीब शरणार्थी आए, सिख शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? 70-70 साल से महात्मा गांधी का वादा था, आपने पूरा नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आप देश की माइनॉरिटी को भड़का रहे हो कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। मगर मित्रों, मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं, इन लोगों ने एक झूठ का पुलिंदा कर, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कहां अत्याचार हो रहा है। अरे केजरीवाल, आंख खोलकर देख लो, राहुल जी, सोनिया जी, आंख खोलकर देख लो, परसों ही नानकाना साहब जैसे पवित्र स्थान पर हमला कर सिख भाइयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा है। ये जवाब है उन सारे लोगों को जो सीए का विरोध कर रहे हैं। मुझे बताइए, कल को नानकाना साहब पर जिन पे हमला हुआ, वो सिख भाई यहां आए तो कहां जाए? वो भारत में आएंगे या कहां जाएंगे? मित्रों, ये लोग एक झूठ फैला रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के घर घर में जाना पड़ेगा, और इनको विरोध करने की आदत पड़ी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की आदत पड़ी है। हम धारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं मत हटाओ, मत हटाओ, 35 से मत हटाओ। मुझे बताओ भैया, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने धारा 370 हटाई, ये इसका विरोध करें। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटा दो, दुनिया के कई मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है, मुस्लिम माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ट्रिपल तलाक मत हटाइए। राहुल बाबा उलझुल स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रियंका जी मैदान में आ जाती है, अभी अभी कहती है कि मैं दंगाइयों के साथ हूं, जिन्होंने दंगा कराया उनके घर पर जाकर उनको कहूंगी कि आपका कोई दोस्त नहीं। मित्रों, मुझे बताओ, आप सब, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि को बहुत समय से रोक कर रखी थी, कोर्ट में विरोध करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर राम जन्मभूमि बनने पर मंदिर बनना चाहिए। और मित्रों, देश के करोड़ों लोगों की, दुनिया के करोड़ों लोगों की इच्छा है।